संजय सिंह को आपने आप सुना होगा, 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खुलासा करने का दावा किया गया है और कहा गया है जो आबकारी घोटाला है, शराब घोटाला, उसमें बीजेपी जुड़ी है, बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। क्या आपको संजय सिंह की बातों पर, दावों पर, आरोपों पर विश्वास हो रहा है? बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नंबर की झूठी पार्टी। कौन सी? आम आदमी पार्टी। एक नंबर के झूठे दल बदलू। सबसे बड़ा ढोंगी, सबसे बड़ा ढोंगी केजरीवाल। अगर उनके पास कुछ अभी कल अतिशी आगे नहीं, उन्होंने देखिए जो एक्सपोजे करने का दावा किया है, उन्होंने राघव मंगुटा, मंगुटा रेड्डी दोनों का जिक्र किया, वो बाकायदा एक तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि पहले जो बयान है वो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जैसे ही जेल के अंदर राघव मंगुटा को डाला गया, इसके बाद जो बयान है वो केजरीवाल के खिलाफ आ गए। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हवा के बादल है, झूठ बोलने के सिवाय आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है। कल अतिशी कहती है कि मैं खुलासा करूंगी, मेरे को बीजेपी से ऑफर आया, लेकिन नाम नहीं बताएगी किसी का। नाम नहीं बताएगी। अभी कह रहे थे कि वो उसका पैसा किसको, शराब घोटाले का पैसा किसको गया है, उसका खुलासा करेंगे। शराब घोटाले का पैसा किसको गया, उसका खुलासा करेंगे। इसका मतलब पैसे का लेन देन हुआ है तो बता दे क्यों नहीं किसको दिया। ठीक है, संजय सिंह झूठ बोल रहा है, यहाँ से बोल रहे हैं। मैं महेश, पहले आपका अपना परिचय देना चाहता हूँ। महेश शर्मा, क्षेत्रीय निवासी, लक्ष्मीनगर। आप बताइए, संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या उनकी बातों पर सच्चाई नजर आई है? अगर संजय सिंह वास्तव में घोटाले में शामिल होते तो वो छूटते क्यों? उनकी जमानत क्यों होती? ये सच्चाई है, ये बीजेपी की कारस्थानी है, बीजेपी जिसको देख। सवाल ये भी है कि अगर आबकारी नीति 2021-22 आबकारी नीति सही होती तो ये बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि वापस क्यों लिया गया। ये मेरा नहीं, बीजेपी वाले लगातार सवाल। बीजेपी तो उठाएगी क्योंकि वो डरी हुई है, वो लोकतंत्र का गला घोट रही है, वो भयभीत है, वो तो और कोई मुद्दा है नहीं जिसके पीछे लगाए। आप क्या बोल रहे हैं, बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश। देखिए मेरी बात सुनिए, आज तक जितनी भी ईडी की रेड होती है, एससीबीआई की रेड होती है, वो सिर्फ उन देशों प्रदेशों में हो रही है जो बीजेपी अजय है, जो बीजेपी के राज्य हैं, जो बीजेपी समर्थन आ रहा हूँ आप, जो एक एक करके बीजेपी से समर्थन से बने हुए हैं। जब किसी भी पार्टी का कोई नेता टूटने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेता है, वो क्लीन चिट हो जाता है। आप महाराष्ट्र में सरकार गिरी गई, एनसीपी का जो क्या नाम, यानी पवन खेड़ा जो वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन की बात बोल रहे हैं, उस पर आपको विश्वास हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनिए, जो महाराष्ट्र में अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका क्या नाम है, अजित पवार, वो उनके पास ईडी की रेड पड़ी, प्रूफ भी हुआ, पैसा भी बरामद हुआ। जैसे ही क्या नाम है, ईडी के साथ में इनके साठगांठ हुए और बीजेपी गवर्नमेंट बनी, वो आज वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। क्या मोदी जी के पास ऐसी मशीन है कि इधर से अपराधी को डालो, इधर से निकालो तो बिल्कुल सुधो के टांग देते उसको, कि लो जी इधर फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इन्हें वहाँ का राज्य मंत्री बना दो, इसका बना दो, और जिधर उनकी सरकारें नहीं है उधर किसी को भी उठा। आज की अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देखे, इलेक्शन देखे, कैमरे पर इनको लाइए। एक तरफ पक्ष ये बोल रहा है कि भ्रष्टाचार है, उस तरफ विपक्ष बोल रहा है नहीं, भ्रष्टाचारी तो यहाँ नहीं, भ्रष्टाचारी सब वहाँ है और वहाँ पर वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन का काम हो रहा है। वो बात नहीं है, किसकी बात पर विश्वास? वो जो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन हो गई उनकी, तो उनके केस तो खत्म नहीं हुए। केस तो है उनके ऊपर, तो जिस दिन डंडा पड़ेगा। नहीं नहीं, विपक्ष बोल रहा है कि वहाँ जाते हैं उनको पद मिल जाता है, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बता दो, डंडा तो तब भी पड़ेगा, वो तो तब तक कोई जमानत पे है, तब तक बाहर घूम रहे हैं, जिस दिन अंदर आएंगे फिर खड़े हो जाएंगे। तो बात तो वही है, अगर वो कहते हैं कि ये खराब है, खैर ये भी भ्रष्टाचार किया तो वो ठीक नहीं है। केजरीवाल के उसमें हुआ, एक शराब का ही नहीं हुआ और भी है अभी वो। नहीं, नहीं, केजरीवाल पर जो आरोप लगे, क्या आपको वो सही लग रहे हैं? देखिए वो तो कोर्ट करेंगे जी, और जिन्होंने, आप एक आम पब्लिक हैं, उस आप किस नजरिए से देख रहे हैं केजरीवाल, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर हैं? भाई देखिए, जो आपके चैनलों के माध्यम से आया है उसमें तो ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो वह होगा। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि एक रुपए का कोई कुछ मिला भी नहीं। आप बताइए, आपको विश्वास हो रहा है कि वाकई में घोटाला हुआ है? देखो जी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को बदनाम करने की एक प्लानिंग थी इनकी। कौन कर रहा है बदनाम, कौन कर रहा है बदनाम? बीजेपी। ईडी किसके अंडर है? बीजेपी। ईडी कांग्रेस के अंडर नहीं है, ईडी मतलब बीजेपी की है। सीबीआई किसकी है? बीजेपी की है। वो सिर्फ कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों को बदनाम करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। क्या वाकई में इस विपक्ष को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए हो रहा है, जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं? भाई पिच को खोद दिया गया है, मैच फिक्सिंग कर ली गई है, कैसा चुनाव है? देखिए अभी हमने सब कुछ देखा। एक सेकेंड, एक बार फिर से आप प्लीज आपस से मत लड़िए, आपस से मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए, कैमरे पर माइक लाऊंगा आप लोगों के सामने, बोलिए आप। देखिए ऐसा है, आपने देखा, कई चैनलों ने दिखाया, और विशेषकर जो है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि कम से कम आप पब्लिक के बीच में जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं और जो सच्चाई है वो आपके सामने आ रही है। अगर अपोजिशन कोई काम करे तो दोषी करार दिया जाता है, उसके ऊपर ईडी
और दुनिया भर के छापे और दुनिया भर के केस ला दिए जाते हैं। और ईडी में भी अमेंडमेंट इसी उद्देश्य से करी गई कि इसको टाइमिंग है, इनकी टाइमिंग सेट करी हुई इन्होंने कि कभी भी अगर कोई सत्ता की बात आती है या इलेक्शन का समय है, इसी दौरान जो है अपोजिशन को अगर वो कहते हैं टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। एक और अहम मसला है, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, इस बार बहुत कुछ यहाँ मैदान बदला हुआ है, समीकरण यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के साथ है, क्या ये जो गठबंधन है वो कुछ कर पाएगा दिल्ली में? देखिए दिल्ली में गठबंधन ने जो किया है उसी से ये घबराकर बीजेपी जो है वो उल्टे सीधे कदम उठा रही है और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोगों को ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा डरा धमका के अंदर कर रही है।